मेरे शहजादे यानी कशान अली को बर्थडे भी ज़रूर विश करेंगे और ज़रूर विश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ कामरान, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामरान व्लॉग्स। सबसे पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट कर ली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन या घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मेरी वीडियो टाइम पर देख सकें। सो सीन कुछ ये है कि बीइंग अ फादर आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, बिकॉज जो मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद कशान अली, वो माशाल्लाह 2 साल का हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे ख्याल में माँ बाप जो हैं बच्चों को एक हद तक अगर सोचा जाए तो सिर्फ घर पे रखते ही हैं, क्योंकि बच्चों को पालने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की होती है। हम लोग सिर्फ थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, बट अगर अल्लाह की मर्ज़ी इसमें शामिल ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यार अल्लाह के फजल और करम से थोड़ा बहुत क्रेडिट तो वालदैन को भी जाता है। मेरी दुआ है और अल्लाह से इल्तिजा है कि अल्लाह ऐसे तमाम जोड़े जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, अल्लाह सबको नेक साले नरीना और सेहतमंद औलाद अता फरमाए और अल्लाह तमाम वालदैन को, तमाम जोड़ों को अपने बच्चों की उम्र के हर हिस्से की, उनके बचपन, उनके लड़कपन, उनकी जवानी की खुशियाँ नसीब फरमाए और उन बच्चों की उम्र के हर हिस्से की खूबसूरत यादें कैद करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो आज धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम मुझे बहुत ही सुहाना लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। की वजह यही है जो आपको बताई है। सो छोटी सी खुशी भी पहाड़ जैसी फील हो रही है। तो अभी जो है मैं गया था बेकरी पे केक देखने के लिए, बट देन आई रियलाइज़ के अभी बहुत जल्दी है क्योंकि घर लेके गए तो बच्चे अभी आ जाएंगे थोड़ी देर तक वापस घर, तो वो केक का जो है सत्यानाश कर देंगे। तो केक मैं देख रहे हूँ, पसंद भी कर रहे हूँ, अब शाम को साथ वाइफ को भी लेके जाऊँगा, अरियान भी जाएगा, कशान को शायद ना लेके जाऊँ, तो जाके केक जो वाइफ को भी देखूँ दिखाऊँगा जो मुझे पसंद आया, अगर उसे भी पसंद आया तो वो ले लेंगे, अदरवाइज़ कोई और काफ़ी सारी ढेर सारी चॉइसिस हैं कोई और ले आएंगे। सो अभी बस चलना है, अपना जो है करना है डेंटिंग पेंटिंग करनी है, बल्कि करवानी है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है दिल बड़ा करके, बहुत बड़ा करके मेरे शहजादे यानी कशान अली को बर्थडे भी ज़रूर विश करेंगे और ज़रूर विश कीजिएगा, उससे मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी और मेरी जान को है जो उसको आपका गिफ्ट भी पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। और हमारा प्रोग्राम ये था जी कि हम कहीं आउटडोर जाके या बाहर पार्क वगैरह में बैठ के या किसी होटल में बैठ के जो है कशान की बर्थडे सेलिब्रेट करें, बट मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ था क्योंकि ये फैमिली फंक्शन होता है और फैमिली के लोग घर में कंफर्टेबल माहौल में बैठ के जो सेलिब्रेट करने में मज़ा है ना, वो इस तरह बाहर आगे पीछे जा के बैठ के करने में नहीं है। और कुछ भी हो, मैं अपने आप को कंफर्टेबल अपने घर के अंदर, अपनी चारदीवारी के अंदर, अपने बिस्तर पे ही फील करता हूँ। खैर बिस्तर का जिक्र यहाँ पे थोड़ा नामुनासिब है, मेरे ख्याल में घर तक ही महदूद रहते हैं। तो बस यही डिसाइड किया जी कि मैं होऊंगा, मेरी वाइफ होंगी, मेरी अम्मी यानी बच्चों की दादी, बच्चों के जो है नाना नानी और मामू वगैरह। तो घर पर छोटा सा फंक्शन जो है सेलिब्रेट हो जाएगा, उससे एक तो ये होगा कि हमारा दिल मुतमइन, बच्चे भी खुश और कम खर्च बाला नशीन। सो अब चलते हैं घर, क्योंकि मैंने अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग और बाइक को भी वॉश करवाना है और घर में भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, बैलून वगैरह जो गुब्बारे हैं वो फुलाने हैं और सामान से बाज़ार से भी कुछ सामान वगैरह खरीद के लेके जाना पड़ेगा। सो चलते हैं अब। सो वेलकम बैक अगेन, डेंटिंग पेंटिंग के बाद मैं वापस घर आ चुका हूँ। तो सुबह में नाश्ता नहीं था करके गया क्योंकि बहुत ज़रूरी काम थे दो चार, मैंने सोचा पहले वो काम कर लेता हूँ, उस टाइम वैसे भी मुझे भूख नहीं थी तो वापस आके खाना खा लूँगा। सो वो काम ज़रा लंबे हो गए तो खाना रह गया, तो अब वापस आया हूँ घर, तो अब मुझे लगी है बहुत शदीद किस्म की भूख, तो अब जो है तबाही चढ़ानी है ताम की खाना खाना है, तो खाना खा के फिर जो है तैयारी करते हैं शुरू। गुब्बारे वगैरह जो हैं वो मैं ले आया हूँ, उनको जस्ट फुलाना है अब, और कोई थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन वगैरह वॉल डेकोरेशन करनी है वो करनी है। तो एनीवेज बच्चा पार्टी एक आ रही है जो इजाज़ भाई उनके बच्चे, तो वो भी आके हेल्प वगैरह करेंगे, तो जब तक वो आते हैं खुद ही कोशिश करते हैं। सो शुरू करते हैं अभी गुब्बारे फुलाना, बल्कि शुरू क्या करते हैं, शुरू ऑलरेडी किए हैं, ये कुछ फुलाए भी हैं, ये खुश रहते हैं, ये
कोशिश करते हैं फुलाने की जितने फूल गए, जब सब बच्चे भी आ जाएंगे। ये इस तरह तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए मशीन लेके आनी पड़ेगी। सो इससे ट्राई करते हैं, अगर शायद हो सकता है काम चल जाए हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजर्बा हो गया कामयाब। तो बाकी के बैलून जो रह गए हैं वो हम लोग फुला लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है और टाइम ऊपर से वैसे है भी शॉर्ट, तो बच्चे आ गए तो समझें ज़्यादा आ गया। सो उनके आने से पहले जो बैलून फूल सकते हैं वो फुलाता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं केक लेने। सो स्टे ट्यून। यहाँ से लेते हैं केक, चलते हैं वापस। अस्सलामुअलैकुम। दो पाउंड का केक कितने का है? दो पाउंड 1000 और एक पाउंड 800। ये है केक्स, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कहिएगा कि आपको कौन सा पसंद है। मुझे तो वैसे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं ये वाला दे दें। तो केक ले लिया है, तो जस्ट कैसे पार्टी पॉपर वगैरह या बच्चों के लिए जो कैप्स लेनी है, कैप्स आई थिंक घर पे पड़ी हुई है, ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कैप्स के बगैर भी काम चलेगा। पैक करते हैं केक और पार्टी पॉपर ले लेते हैं। वो ये होता है कि चले थोड़ा शुगर मिला देता है। स्नो स्प्रे कह रहे थे घर वाले, बट स्नो स्प्रे जो है वो इंतहाई डेंजर, क्योंकि अगर आप कैंडल वगैरह लगाते हैं जब केक पे, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, वो स्प्रे करते वक्त ना आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी, तो वो डेंजरस चीज़ है, वही लेके जाते हैं। पार्टी पॉपर ले जाएंगे, शुगर मिला हो जाएगा। दो ये बड़े पार्टी पॉपर बड़े वाले, ठीक है, बल्कि एक ही दे रहे हैं, एक कॉफी है। तो केक हो गया डन, अब जस्ट लेने हैं नमक पारे और बाकी जो माल मुद्दा है, बोतलें वगैरह होगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और उसके अलावा जो चार चीज़ें हैं वो लेते हैं और फिर चलते हैं घर। तो यहाँ पे ट्रैफिक भी जैम हो गई है, चलें हमारे पास तो शहजादा है, शहजादा निकल जाएगा कहीं ना कहीं से। पहले यहाँ से लेते हैं समोसे और केक, ये दोनों चीज़ें घर छोड़ के उसके बाद जो है फिर देखते हैं बाकी चीज़ें, क्योंकि केक थोड़ा नाजुक है तो ऐसा ना हो कि नुकसान हो। तो जस्ट पहले समोसे लेता हूँ और केक जो लिया है वो घर छोड़ के वापस आके बाकी जो चीज़ें रहती हैं फिर ले। ये आ गया जी हमारा शहजादा, बड़ा शहजादा अहमद, और ये आ गए जी आर्यन साहब। ये फ़ायदा होता है बच्चों का, मैं जस्ट दो चीज़ें लेने गया हूँ, पीछे हूँ तो ये ढेर लगा हुआ है, गुड हो गया। तो केक घर छोड़ दिया मैंने, समोसे भी लिए हूँ, अब चलता हूँ नमक पारी लाने, कोल्ड ड्रिंक्स लाने, योगर्ट लाना है और उसकी वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो मैंने बोला था कि वीडियो नहीं बनाऊँगा, बट फिर मैंने सोचा यार व्यूअर्स को एटलीस्ट वीडियो पूरी दिखानी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आया हूँ बेकरी पर, अब यहाँ से अब नमक पारी लेने, क्योंकि जहाँ से मैंने केक लिया है वहाँ से नमक पारी मुझे नहीं चाहिए। बहुत दो चार चीज़ें हो रहे हैं वो लेते हैं और फिर चलते हैं घर।
जगह जो है सारी तैयार हो गई है, बैलून वगैरह लग गए, दस बैलून ही थे, अब कमी है तो बर्थडे बॉय की, तो वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आ जाएगा, तो फिर शोल मेला स्टार्ट। ये आ गया जी बच्चे का छोटा मामू जी काशिफ साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जबरदस्त। और इन हस्ती को तो आप जानते ही हैं, बड़ा मामा भी और बड़ा ताया भी। सो तैयारी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी पूरी हो गई है, मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, वैसे मेरा इरादा नहीं था बट गिफ्ट मुझे भी मिल गया साथ बच्चे के साथ, तो मैंने कहा चलें यार अब दिल कौन तोड़े घर वालों का। सो ये आ गया समोसे और ये आ गया केक और ये आ गया चूजे। ये आ गया जी हमारा बर्थडे बॉय का शान से बाय 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 बाय। सो अब देखते हैं जी गिफ्ट में क्या है कशान अली का, हरियाणा का भी है इसमें। ये कशान का भाई, कशान भाई ये आपका है कौन सी लेनी है आपने? अच्छा वो ब्लू वाली से दे दी थी आज की वीडियो। अच्छा वॉक, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे तमाम नाज़रीन जो नए मेरे चैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको पहुँच सकें। सो आप कमरान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का और स्पेशली अपने वालदैन का। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।